बाद में बहुत रुलाते हैं, ये शुरू शुरू में हंसाने वाले। Hey guys, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आप एक छोटी सी वीडियो देखी है गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ये हिंदी इंग्लिश जो लिरिक्स वीडियो एडिटिंग है बहुत ही तेज से वायरल हो रही है, तो आप इस तरह की वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच करनी है, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक ऐप का लिंक दिया जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, प्लस का आइकन आपको यहां क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट है, आपको यहां पर क्लिक कर देना होगा। आपको यहां पर एक खुद की जो होगी वीडियो शूट करनी होगी कुछ इस तरीके से, उसे एडिट भी कर लेना। मैंने काफी सारी वीडियो एडिटिंग जो है अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप उन्हें देख सकते हो। आपको अपने खुद की एक वीडियो यहां पर लेके आनी होगी, देन यहां पर जो म्यूजिक होता है इस वीडियो का यानी कि आपकी वीडियो को, उसे यहां पर म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपको ऊपर यहां पर क्लिक करना है, यहां पे आपको 9.0 को ले लेना होगा। तो गाइस मैं आपको अपनी जो एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं, मैंने यहां पर एक सिंपल सी जो है वीडियो ली है और इसी में आपको इस कुछ इस तरीके की जो एडिटिंग चल रही है लिरिक्स हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग में, तो ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। यहां पर आपको एंड में जो है VN एप्लीकेशन का वाटरमार्क मिलता है, तो इस पर क्लिक करके आपको इसको यहां से जो होगा डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद आपको बिल्कुल आ गया ना म्यूजिक आएगा ना, आपको म्यूजिक आइकन पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर क्लिक कर देना है, यहां प्लस का आइकन है यहां क्लिक करना है, आपको यहां पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑल मटेरियल करके जो है मतलब कि एक वीडियो दी है, अगर आप सेम सॉन्ग पे ट्रेंडिंग जो सॉन्ग चल रहा है उस पर आप ये वाला प्रोसेस करोगे तो उस वीडियो को ये करने के बाद आपको ऑटोमेटिक जो वीडियो थी ऑडियो में कन्वर्ट होगी और आपका म्यूजिक आएगा, अपने म्यूजिक को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ट्रेंडिंग जो यही यानी कि जो मैंने म्यूजिक दिया इसी पर वीडियो बना रहे तो उस वीडियो को डाउनलोड करना, या फिर कोई और वीडियो है यानी कि और सॉन्ग है तो आप उस पर भी ये वाला प्रोसेस कर सकते हो। तो बीच में से आपको दो कर देना यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है आपको क्लिक करके अपने जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे डिलीट कर देना है और इस तरीके से म्यूजिक ऐड कर देना है। यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्योंकि काफ़ी भाइयों की प्रॉब्लम क्या होती है, वे लिरिक्स से बीट जो होती है उसे मैच नहीं कर पाते, म्यूजिक की सहायता से भी जो है मैच नहीं कर पाते, तो वो प्रोसेस आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, आपको वीडियो की हेल्प की मदद से ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर जो बीट होती है उसे मैच करोगे और कैसे आप यहाँ पर लिरिक्स लिख सकते हो, सेम टू सेम लिख सकते हो, कोई आगे पीछे मत करना, मतलब कि एक तरीके से डिट्टो में आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को वॉच करना है। सबसे पहले से हम जो है वीडियो हम लेके आए हैं यहाँ पर, इसे फिट टू स्क्रीन करेंगे, और फिट टू स्क्रीन करने के बाद ये देख सकते हो हमारी जो लिरिक्स वीडियो है ऊपर वाली जो है इंग्लिश में, नीचे की जो है हिंदी में, तो इसे हम कैसे एडिट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रुकेंगे, और रुकने के बाद आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा यानी कि टी दिखाई देगा, आपको जो होगा टी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं मतलब कि थोड़ा इस पर यहाँ पर रुकता हूँ, और यहाँ पर रुकने के बाद जो टी का ऑप्शन है आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फॉन्ट लिखाना है। गाइज आपको एक कीबोर्ड जो है मतलब कि गूगल कीबोर्ड आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है अपने, उसमें डाउनलोड करने के बाद उसे सेट कर लेना, तभी आप यहाँ पर जो हिंदी टाइपिंग है उसे यहाँ पर कर पाओगी। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ वो इंग्लिश टाइपिंग है, मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ जो मेरी लाइन है। आपकी जो ट्रेंडिंग यानी कि सॉन्ग जिस पे अभी आप बना रहे हो तो उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उसे लिखने के बाद गाइस आपको हिंदी टाइपिंग करनी है, यानी कि कैसे करोगी, सबसे पहले हम इसके जो साइज को होता है उसे यहाँ पर छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से, और छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर हिंदी भी टाइपिंग करनी है। तो वापस यहाँ पर कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, और आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये बॉक्स लिया, और उसके बाद वापस यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर डबल टैप किया, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा अर्थ बना हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हिंदी टाइपिंग हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यानी कि अगर मैं कर रहा हूँ टाइपिंग जो कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, बट हमारे जो वर्ड होंगे वो जो टेक्स्ट हो रहा है वो हिंदी में हो रहा है, यानी कि बहुत कमाल की। अगर आप गूगल जो यहाँ पर गूगल कीबोर्ड है उसे डाउनलोड करने के बाद ये वाला प्रोसेस करते हो तो बहुत ईजी तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग यहाँ पर बहुत ईजी से और बहुत आसान तरीके से यहाँ पर कर पाओगे। तो मैंने इसे टाइप किया, ओके किया, उसके बाद इसे सेट के एंड तक के घसीट के मैंने यहाँ पर कर दिया। करने के बाद इसमें इन एनिमेशन देना है, तो इन एनिमेशन पे हम क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन दोनों हमें यहाँ पर सेम रखनी है। सेम रखने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर जो है यानी कि थोड़ा सा इसको क्या करना है मैं दिखाता हूँ आपको। वापसी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यानी कि टेक्स्ट पे फॉन्ट पे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो आपको फॉन्ट चूज़ करना है। तो फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इनमें से काफ़ी सारे फॉन्ट हैं, इनमें से जो सा आपको पसंद आता है वो ले सकते हो, या फिर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है फॉन्ट के ऊपर, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आई के बटन पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो इनमें से एक फॉन्ट आपको सिलेक्ट कर लेना होगा,
फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको कलर के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर जो इसका कलर होता है उसे ब्लैक कर देना, क्योंकि ब्लैक कलर थोड़ा डिफरेंट है और अलग ही दिखाई देगा, या फिर आप व्हाइट भी यहाँ पर रख सकते हो। तो इन दोनों में से एक कलर आपको यहाँ पर लेना है और अब आपको आगे आना है और यहाँ पर देख सकते हो मैंने वीडियो के हिसाब से, यानी कि जो वीडियो के हिसाब से आप देख सकते हो वीडियो आई, ऊपर का टेक्स्ट चेंज हुआ, नीचे का टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीजर की मदद से मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर मैं आगे गया, पीछे गया, वीडियो के हिसाब से मैंने टेक्स्ट बीट मैच की और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि इस तरीके से आप जो है वीडियो की हेल्प की मदद से आप इस तरीके जो जो टैक्स होता है बीट होती है उसे मैच कर सकते हो। उसके बाद आपको वापसी एडिटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैक्स आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। इंग्लिश में टाइपिंग करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर ओके करना, और ओके करने के बाद अब आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। तो बॉक्स हमने इस तरीके से किया और यहाँ पर हम जो है आप इंग्लिश में ही टाइप करेंगे, बट जो है वो हिंदी में आएगा, तो उसे हम यहाँ पर रखेंगे। और रखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यानी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से यही प्रोसेस से आपको सेम टू सेम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बार बार आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको जो है हिंदी टाइपिंग यहाँ पर करनी है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल ओके करना है, नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है, टेक्स्ट उसे यहाँ से हटा देना है। इमोजी वगैरह जो सेम देना चाहो आप वहाँ पर ये दे सकते हो। इसको वीडियो में यहाँ पर बिल्कुल आपको आगे आना होगा घसीट के, और आगे आने के बाद जो हमारी वीडियो थी हमने मैच करने के लिए थी उसे हम यहाँ से जो है डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हो तो आपकी हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग थी बहुत इजी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से इस तरह की वीडियो बना सकते हो। इस वीडियो को सेव करना होगा तो ऊपर तीर का निशान है वहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।